हाय गाइस, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का मौसम हो, आजकल सभी को कभी घुटनों के दर्द की, कभी आंखों के दर्द की और कभी सर के दर्द की, कमर के दर्द की प्रॉब्लम चलती ही रहती है। अगर इसका सॉल्यूशन एक टेस्टी से लड्डू हो तो मजा आ जाए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये दर्द की एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं जिस तरीके से ये लड्डू बनाऊंगी उसमें वो सारी चीजें होंगी जो आपको दर्द से निजात दिलाएगी। सर्दियों के मौसम में अगर दर्द से निजात मिल जाए तो जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। उम्मीद है लड्डू की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए मेहमान है चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, उससे फायदा ही होगा, वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों, इस विंटर स्पेशल एनर्जी बूस्टर लड्डू बनाने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं गुड़ों की खान गुड़ का, क्योंकि गुड़ खाने से बहुत ही सारे फायदे होते हैं। जैसे कि गुड़ कब्ज के लिए बहुत ही अच्छा है, अगर आपके फेस पर कहीं झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं तो भी गुड़ बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके फेस पर उम्र से पहले झुर्रियाँ हो गई हैं तो उसके लिए भी गुड़ बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो इस बहुत ही बढ़िया से गुड़ को हम थोड़े से पानी के साथ ढककर रख देते हैं, जिससे ये बढ़िया सा मेल्ट हो जाएगा। तो बस 10 से 15 मिनट लगेंगे और इतने ही हम बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर मैंने लिया है तिल। सर्दियों में तिल बहुत ही फ़ायदा करता है, क्योंकि इसकी अपनी जो तासीर होती है काफ़ी गर्म होती है। इसके साथ ही शरीर में खून की मात्रा को एकदम सही रखने के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है, और इसे भी मैंने लिया है 50 ग्राम। इसके साथ ही हम यूज करेंगे 50 ग्राम जितने बादाम, 50 ग्राम जितने काजू ले लिया है, और 50 ग्राम मैंने ले लिया है गोंद, और गोंद आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पर आराम से मिल जाएगा। बस लेते हुए आप अच्छे से देख लें कि ये सूखा हुआ हो, अगर गीला रहता है तो फूलने में दिक्कत करता है और दांतों में चिपकन सी देने लगता है। तो इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बात हम आगे करेंगे, पहले हम सारे इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। 50 ग्राम ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, और इसे मैंने फ्रेश ही छिलके को उतार कर इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। 4 ले लिए हैं हरी इलायचियाँ। तो चलिए बनाना शुरू कर देते हैं। बस गैस ऑन करिए और उसके ऊपर मैंने एकदम भारी से पैदे की कढ़ाई रखी है, क्योंकि आज हम जो लड्डू बनाने वाले हैं उसे हम ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाएंगे। अगर हल्की पैदे की कढ़ाई है तो कई बार क्या होता है ना, ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी जल जाते हैं। बस आज हम जो लड्डू बनाएंगे एकदम कम घी के साथ बनाएंगे। तो बस गैस ऑन करी, कढ़ाई रखी, और जैसे ही कढ़ाई गर्म हुई उसके अंदर हमने डाल दिए ये अच्छे से साफ करे हुए सफ़ेद तेल, और इन्हें बस 2 से 2.5 मिनट तक हम एकदम अच्छे से चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और जब ये अच्छे से फूलने लगते हैं, ऊपर को चटकने लगते हैं, ये इंडिकेटर है कि जो हमारे तिल हैं बढ़िया से भुनकर तैयार हैं। तो बस आप इन्हें निकाल लीजिए और उसी गर्म कढ़ाई में हम डाल देते हैं ये गोला, और गोला बहुत ही जल्दी से सिक जाता है क्योंकि इसमें होता है अपना ऑयल। तो बस करीब 20 से 25 सेकेंड लगेंगे और आप देखेंगे कि गोला हल्का हल्का सा ब्राउन होने लगा है। परफेक्ट स्टेज है कि आप उसे उसी समय निकाल लें, वरना उसके बाद गोला जल जाएगा। तो बस ये देखिए गोला हल्का हल्का सा ब्राउन हुआ, तो बारी है अब इसे भी निकाल लेने की। और आप जो भी चीज़ें भूनें उन्हें एकदम स्लो गैस पर भूनें, हाई फ्लेम पर अगर आप भूनेंगे तो इनकी जो गुड प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जल जाएंगी। और ये मैंने हरी इलायची ले ली, हरी इलायची को हल्का सा अगर गर्म कर लेते हैं तो जो पीसते हैं वो बहुत ही आराम से पीस जाती हैं, छिलका भी बढ़िया सा पीस जाएगा। तो बस उसके बाद उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे देसी घी। फ्रेंड, देसी घी हमारी जो बॉडी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। नॉर्मली आजकल 10 में से 9 लोगों को प्रॉब्लम होती है बॉडी पेन की, अगर आप देसी घी खाते हैं तो ये ग्रीसिंग का काम करता है हड्डियों के बीच में, और जिससे दर्द की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम रहती है। और उस गर्म घी में मैंने डाल दिए बादाम। बादाम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदा करते हैं, एसिडिटी में, पेट की सूजन में, इन सब में बहुत फ़ायदा करते हैं। कब्ज के लिए भी बादाम बहुत ही अच्छे हैं, और साथ ही जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी कंट्रोल में रखते हैं। तो ये लीजिए, हमारे बादाम सेकंडों में तलकर तैयार हो गए हैं, और ये घी अभी काफ़ी गर्म है, और इसी में हम डाल देते हैं ये काजू। और काजू के भी अपने ही बहुत सारे फायदे होते हैं। काजू में विटामिन ई पाया जाता है जो एंटी एजिंग का काम करता है, यानी कि बढ़ती हुई उम्र का जो प्रभाव होता है उसे काफ़ी हद तक कम कर देता है। उसके साथ इसमें होता है आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होती है। तो बस हमारे काजू भी बढ़िया से तल चुके हैं, इन्हें पूरी तरह से आप घी में ब्राउन ना करें, क्योंकि जब आप इसे निकाल लेते हैं अपने ही ऑयल में सिकते रहते हैं। और उसके बाद इसी घी में हम डाल देंगे ये थोड़े थोड़े करके गोंद,
अगर आप कंटिन्यूस थोड़ा थोड़ा गोंद रोजाना खाते हैं तो आपको मसल्स पेन की प्रॉब्लम नहीं होगी और इसके साथ ही दिल की बीमारियों से लेके कैंसर तक बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे गोंद खाने से दूर रहती हैं, क्योंकि इसमें होता है प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, बहुत सारे गुण होते हैं। और ये लीजिए, गोंद भी तलकर तैयार है। बस गोंद को थोड़ा थोड़ा करके तलना है और उसके बाद हमें इसे निकालते जाना है और इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा और देसी घी। फ्रेंड्स, अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं या आप घी को कम खाना चाहते हैं तो आप ये वाला जो मैंने घी बाद में डाला है इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस मैंने तो ये घी डाल दिया है और इसमें डाल दिया बिल्कुल वजन करके नॉर्मल गेहूं का आटा। अगर आपके पास जो आटा है वो थोड़ा सा मोटा है तो आपके लड्डू और भी स्वादिष्ट बनेंगे। अगर आप लड्डू बनाने हैं या आटे से बर्फियाँ बनाने हैं तो कोशिश करें कि आप चक्की वाला जो थोड़ा सा मोटा आटा आता है ना उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका जो दाना होता है उससे लड्डू और बर्फी दोनों ही बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। और आटे को भूनते हुए आप ध्यान रखें फ्लेम पर, अगर हाई फ्लेम पर आपने आटे को भूना तो ये ऊपर ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगा लेकिन इसमें वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे करीब 10 मिनट तक भूनेंगे और 10 मिनट में आप देखेंगे कि आटे में से बढ़िया सी खुशबू आने लगी है, हल्का सा उसका कलर भूरा हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी हर दिन लड्डू ही बनाता है। बहुत से लोग बिगनर होते हैं और वो लड्डू बनाना चाहते हैं और उन्हें पहचान नहीं पड़ती कि आटे को भूनने की क्या पहचान है। तो जब करीब 10 से 11 मिनट हो जाएं, आप आटे को कुछ सेकंड के लिए कढ़ाई में ऐसे ही छोड़ दें और उसके बाद आप उसे हल्का सा टर्न करें तो आपको जो नीचे से दिखेगा वो आटा हल्का सा ब्राउन दिखेगा, तो वो परफेक्ट स्टेज होगी। और जो लोग बनाते रहते हैं उनका कोई इशू नहीं है, उन्हें तो पहचान होती है कि आटा बढ़िया भून चुका है, क्योंकि लड्डू बर्फी में अगर आटा कच्चा रह जाता है तो कच्चा सा टेस्ट करता है, ज़्यादा भून जाता है तो अच्छा टेस्ट नहीं आता है। जब आटा एकदम परफेक्ट भून जाए उस समय आप इसमें डाल दीजिए 2 टेबल स्पून जितना जिंजर पाउडर, यानी कि सूखा हुआ अदरक होता है उसका पाउडर होता है, और ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जोड़ों का दर्द हो उसमें बहुत बढ़िया रहता है। अगर आपको गैस की दिक्कत है उसके लिए भी सौंठ का पाउडर बहुत ही बढ़िया है। आपको सर्दी, जुकाम या सिर के दर्द की दिक्कत रहती हो उसमें भी सौंठ बहुत ही बढ़िया काम करती है। आटा घी के साथ जो हमने भुना है ये भी काफ़ी गर्मा गर्म है, तो बस इसी के साथ हमारे ये बारीक सा सौंठ बढ़िया भुन जाएगा। सौंठ का पाउडर इस तरीके के पैकेट में आता है। और ये लीजिए, हमने ये जो गुड़ रखा था ये भी पानी के साथ काफ़ी कुछ मेल्ट हो चुका है। और इसके बाद बारी है फ्रेंड्स, जो हमने ड्राई फ्रूट्स तल के रखे हैं उन्हें क्रश करने की। तो सबसे पहले गोंद को क्रश कर लेते हैं और गोंद के साथ ही मैं सारे ड्राई फ्रूट्सों को एक एक करके क्रश कर लूँगी। और उसके बाद गैस ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख दिया और कढ़ाई में हम डाल देते हैं ये भीगा हुआ गुड़। फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो पानी इस्तेमाल किया है, अगर हमने 200 ग्राम जितना आटा लिया था तो ये भी आपको पानी 200 ग्राम ही लेना है, क्योंकि हमने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। और ये देखिए बढ़िया सा इसमें उबाल आ चुका है। बारी है ड्राई फ्रूट डालने की, तो सबसे पहले मैंने डाल दिए हल्के से क्रश करे हुए तेल। और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ये बादाम। बादाम के साथ ही आप इसे हल्का हल्का सा चलाते जाएं और जितने भी ड्राई फ्रूट्स आपने क्रश करके रखे हैं वो डालते जाएं। ये काजू डाल दिए और उसके बाद फ्रेंड्स ये डाल दिया गोंद। और ये देखिए ड्राई फ्रूट गुड़ के साथ बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। 2 से 2.5 मिनट तक मैंने इसे कंटिन्यूस चला लिया है। और एक्स्ट्रा फ्रेशनेस के लिए हरी इलायचियाँ ले ली और अब डाल दिया ये भुना हुआ आटा। और उसके बाद बारी है फ्रेंड्स इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करने की। इसमें गैस का फ्लेम आपको कर देना है एकदम स्लो। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो लड्डू हैं वो एक्स्ट्रा खुशबू वाले बने, उसकी रिचनेस बहुत ही हाई जाए, तो आप थोड़ा सा देसी घी डाल सकते हैं। और आप चाहे तो घी को सके स्किप भी कर सकते हैं, बिना घी के बनाएंगे तब भी बढ़िया बनेंगे, लेकिन कच्चे घी की ना बात ही अलग होती है। तो 1 से 1.5 स्पून डाल ही दें, बढ़िया टेस्ट करेंगे। और बस अच्छे से मिक्स किया, गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। फ्रेंड्स, अभी हमारा जो मिक्सर है आपको देखने से ही पता चल रहा है कि काफ़ी गीला गीला सा है, तो इससे तो हम लड्डू बनाएंगे तो परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो इसके लिए तो बस आपको एक ही काम करना होगा कि आप इसे कवर करके करीब 20 से 25 मिनट के लिए एक साइड से रख दें। 20-25 मिनट में आप देखेंगे जो आटा है बढ़िया सा फूल कर सेट हो जाएगा। और देखिए आपको जो मिक्सचर मिलेगा फिर कुछ इस तरीके का मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है या आपको लड्डू की बजाय बर्फियाँ ज़्यादा पसंद है तो आप इसे सेट करके छोड़ दीजिए और उसके बाद इससे आप बर्फियाँ बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं एनर्जी बूस्टर लड्डू बनाना तो बस मेरी तरह से लड्डू बना लीजिए। इन लड्डू को आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साइज के ना बनाएं,
क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, तो बस छोटे छोटे साइज के आप इस तरीके से लड्डू बना लें। और इन लड्डू को खाने का भी एक तरीका होता है, आप एक गिलास हल्दी वाला दूध लीजिए और उसके साथ आप एक लड्डू खाएं। सर्दियों में होने वाली 80% से ज़्यादा बीमारियां आपसे इतनी दूर रहेंगी कि आपको छू भी नहीं पाएंगी। और आप देख सकते हैं कि इस लड्डू में हमने जो जो चीज़ें डाली हैं सबकी अपनी इतनी हाई प्रॉपर्टीज़ हैं कि सर्दियों में होने वाली बीमारियां तो दूर रहनी ही रहनी है। आप चाहें तो इन लड्डू को अर्ली मॉर्निंग खा सकते हैं और आप चाहें तो इन्हें रात को सोते हुए दूध के साथ खा सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप इन्हें अर्ली मॉर्निंग खाना पसंद करते हैं या रात को सोते हुए पसंद करते हैं। तो मुझे तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि हेल्पफुल तो ये ही है ही। विंटर में इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक में मुझे भी ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। सभी दर्दों से निजात दिलाने वाले हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। इन लड्डुओं से हड्डियां मजबूत होती हैं, दर्द से निजात मिलती है। यदि आपके सिर में दर्द है या आंखों में दर्द है उसमें भी आराम आता है। उम्मीद है इन लड्डू की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।